हेलो एवरी वन सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सॉल्व अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड इन दैट वी हैव सीन हाउ टू कैलकुलेट दी ए आर आर नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द पे बैक पीरियड अभी हम एक नया पार्ट सीखेंगे इसमें कि पे बैक पीरियड को कैसे कैलकुलेट करना है तो ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट है फिलहाल हम ट्रेडिशनल मेथड्स के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इफ यू रिमेंबर कैपिटल बजटिंग के लिए दो अप्रोचेस है एक है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकेंड है आपका मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच जो होता है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता उसमें हमने दो मेथड सीखे थे एक है आपका पे बैक पीरियड और सेकेंड है हमारा एनुअल रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे अभी हम इसमें सीखेंगे कि एक पे बैक पीरियड को कैसे आपको सॉल्व करना है फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे जाएंगे चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन तो क्वेश्चन सेम है जो हमने ए का सॉल्व किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सिर्फ इसमें हमको पे बैक पीरियड सॉल्व करके सजेस्ट करना है कि विच इज द बेस्ट फॉर द कंपनी आप ध्यान से समझना थोड़ा सा कैलकुलेटिव है अगर तो आप कॉन्सेंट्रेट करके सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी ए इज टेन लैक्स एंड कॉस्ट ऑफ द मशीनरी बी इज ट्वेंटी लैक्स डेप्रिसिएशन हैज बीन अप्लाइड ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेथड विद नो सैलवेज वैल्यू ठीक है अभी हमको डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है ध्यान से समझते हैं कि कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है फिर हमको दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन ध्यान से ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है और आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया आप सबसे पहला बेस याद रखना कि पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें लगता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेकिन बिफोर डेप्रिसिएशन क्या लगता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो सही है लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले वाली वैल्यू हमें चाहिए लेकिन यहां पे दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन मतलब ये जो फाइव लैख सिक्स लैक्स सेवन लैक्स एट लैक्स सेवन लैक्स ये जो वैल्यूज आपको यहाँ पे दिया है दिस वैल्यूज आर आफ्टर डेप्रिसिएशन बट वी रिक्वायर बिफोर डेप्रिसिएशन ना रहा सवाल ये कि बिफोर डेप्रीसिएशन अभी कैसे कैलकुलेट करें तो don't worry, उसके लिए हम एक फॉर्मेट बनाएंगे वो format से हमको सारी चीजें आ जाएगी सेकेंड वाले मशीन में भी वैसा ही है net profit, after tax and depreciation. Machine A का सॉरी ये है है मैंने गलती से पे लिख दिया This is machine B. तो machine B जो है, उसके भी वैल्यू सेम है हमको चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेकिन बिफोर डेप्रीसिएट अभी इसको कैसे करें ध्यान से देखो अब सबसे पहले हम मशीन ए का करेंगे पे बैक पीरियड देखो आपके कॉलम्स बहुत इंपॉर्टेंट है देखो हमें क्या चाहिए हमें चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीसी हमें चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीसिएशन लेकिन हमारे पास क्या दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रीसी मतलब हमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस करके दिया है तो अगर हमें बिफोर चाहिए तो हम क्या करेंगे डेप्रिसिएशन को फिर से एडबैक कर लेंगे अब रहा सवाल ये कि डेप्रीसीशन कहाँ से आया तो डेप्रिसिएशन अभी हम कैलकुलेट करके बताता हूँ आपने आपके ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में फॉर्मेट पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन फॉर्मूला पढ़ा होगा कैलकुलेट करने का ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ठीक है अब मशीन ए मशीन ए की वैल्यू कितनी थी तो आप बोलेंगे सर मशीन ए की वैल्यू टेन लैक्स थी बराबर मशीन बी की वैल्यू ट्वेंटी लैक्स थी मशीन ए की वैल्यू टेन लैक्स है स्क्रैप वैल्यू आपके क्वेश्चन में नहीं है कितने ईयर्स का, का दिया है लाइफ फाइव ईयर्स का दिया है बराबर तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आंसर टू लैक्स तो ये हमारा डेप्रिसिएशन है एंड डेप्रीसिएशन लाइन मेथड से कैलकुलेट होगा ऐसा बोला है रिटर्न डाउन वैल्यू से बोलते हैं दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो हर साल डेप्रिसिएशन अलग अलग आता था यहाँ पे एवरी ईयर डेप्रिसिएशन की वैल्यू सेम है तो अभी हमको करना क्या है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रीसिएशन को प्लस करना है अगेन मैं बताता हूँ प्लस क्यों करना है बिकॉज हमें पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए लगता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीसीशन अगर हमें नेट प्रॉफ़िट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीसीन लगता है इसीलिए हमने डेप्रीसीशन को ऐड कर लिया तो फाइव लैक्स प्लस टू इज सेवन लैक्स सिक्स लैक्स प्लस टू इज एट लैक्स ऐसे आपको सभी को ऐड करना है नाम क्या देना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीसी ये सारे वैल्यूज़ ऐड करने के बाद एक एक्स्ट्रा कॉलम हमें प्रिपेयर करना है फिलहाल मैंने फुल फॉर्म लिखा है अगले बार से शॉर्टकट लिख सकते हैं हम तो याद रखना सी सी आई सी का मतलब होता है क्यूमलेटिव कैश इनफ्लो ठीक है अभी ये कैसे ढूंढना है देखो बहुत ही सिंपल है सेवन लैक्स है तो यहाँ पे मैंने सेवन लैक्स का सेवन लैक्स कॉपी कर लिया फिर आपको क्रॉस क्रॉस प्लस करना है मतलब सेवन लैक्स प्लस एट लैक्स तो वी गॉट द आंसर फिफ्टीन लैक्स फिफ्टीन लैक्स प्लस नाइन लैक्स वी गॉट द आंसर ट्वेंटी फोर लैक्स ट्वेंटी फोर लैक्स प्लस टेन लैक्स वी गॉट दी आंसर थर्टी फोर लैक्स थर्टी फोर लैक्स प्लस नाइन लैक्स वी गॉट द आंसर फोर्टी थ्री लैक्स अब हमने ये सारा फॉर्मेट बना लिया अभी हम सीखेंगे कि पे पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है ध्यान से समझो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है तो पे पीरियड पहले हम ए का सॉल्व करेंगे फिर हम बी का आपको इजीली सॉल्व करने आ जाएगा पे पीरियड इक्वल टू फॉर्मूला है कंप्लीटेड ईयर्स ध्यान से तो मैं थोड़ा सिंपल फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूं कंप्लीटेड ईयर्स प्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट से क्या है सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटेड इयर्स प्लस फ्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल इनफ्लो ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ठीक है बहुत ही सिंपल है देखो अभी मशीन ए मशीन ए की वैल्यू कितनी है मशीन ए की वैल्यू है टेन लाख रुपीज तो आपको अभी करना क्या है सबसे पहले हम हमारा लास्ट कॉलम देखेंगे लास्ट कॉलम में आपको ये देखना है कि टेन लाख ,00 से ऊपर कौन से ईयर में जा रहा है फर्स्ट आपको दिख रहा है सेवन लाख लास्ट कॉलम फिर आपको दिख रहा है पंद्रह लाख ,00 मतलब सेवन लाख ,00 के बाद सेकेंड जो आपका ईयर है उसमें दस लाख क्रॉस कर दिया तो आपको लेना कौन सा ईयर है सेकेंड ईयर नहीं लेना है आपको फर्स्ट ईयर ही लेना है क्योंकि फर्स्ट ईयर ही हमारा कंप्लीटेड ईयर माना जाएगा सेकेंड ईयर में पंद्रह लाख है सेकेंड ईयर मत लेना वरना गलत हो जाओगी तो अभी यहाँ पे हम लिखोगे फर्स्ट ठीक है अगर सेकेंड ईयर में आठ लाख होता तो और थर्ड ईयर में अगर बारह लाख होता तो तो फिर हम वन के जगह पे टू लेते हैं ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे सॉल्व करना है देखो मशीन की कॉस्ट कितनी है मशीन की कॉस्ट है दस लाख मशीन की कॉस्ट कितनी है दस लाख दस लाख में से हम हमारे फर्स्ट ईयर में क्या अमाउंट है यहाँ पे फर्स्ट ईयर में अमाउंट है हमारा सेवन लैक्स तो उसको हम क्या करेंगे माइनस करें तो दस लाख माइनस सेवन लाख दैट इज योर फ्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल इनफ्लो ऑफ कंप्लीटेड ईयर अभी ध्यान रखने का कौन से ईयर में दस लाख क्रॉस किया सेकेंड ईयर में क्रॉस किया तो मैं इसको राउंड कर रहा हूं तो ये जो आठ लाख है ये आपको नीचे लिखना है ये आपको आठ लाख जो है ये यहां पे लिखना है रिपीट करता हूं फिर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ध्यान से समझते हैं कंप्लीटेड ईयर्स दस लाख कौन से ईयर में क्रॉस कर रहा है तो आप देखेंगे कि दस लाख जो है हमारा सेकेंड ईयर में क्रॉस कर रहा है तो सिंपल बेस याद रखो जिस ईयर में क्रॉस कर रहा है उसके पहले वाला ईयर लिखने का तो सेकेंड ईयर में क्रॉस कर रहा है तो हम फर्स्ट लिखेंगे थर्ड ईयर में क्रॉस कर रहा है तो हम सेकेंड लिखेंगे तो हमने क्या किया वन लिखा दैट इज कंप्लीटेड ईयर्स ठीक है प्लस फ्रैक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे ढूंढना है आपके मशीन का कॉस्ट कितना था दस लाख और आपने जो इधर ईयर लिखा है जैसे कि यहाँ पे वन लिखा है तो फर्स्ट ईयर की अमाउंट यहाँ पे लिखनी है तो फर्स्ट ईयर की अमाउंट देखो कितनी है सेवन लैक्स है तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी फिर नीचे क्या करना है यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिखा है तो यहाँ पे कौन सी ईयर की अमाउंट लिखनी है सेकेंड ईयर की अमाउंट लिखनी है तो सेकेंड ईयर की अमाउंट कितनी है एट लैक्स है तो मैंने एट लैक्स लिख दिया ठीक है अभी आपको इसको डिवाइड करना है पहले प्रॉपरली कैलकुलेट करो वन को साइड में रखो कैसे सॉल्व करना है इसको ध्यान से समझते हैं एक बार क्योंकि एक बार ये समझ में आ गया तो बहुत ईजी हो जाएगा दस लाख में से सात लाख माइनस किया तो कितना बचता है थ्री लैक्स बचता है ठीक है थ्री लैक्स को आपको एट लैक्स से डिवाइड करना है पहले चीज थ्री लैक्स को एट लैक्स से डिवाइड करना है तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा वन प्लस जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव ठीक है इसमें वन प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा वन पॉइंट थ्री सेवन फाइव आता है तो मैं थ्री एट लिख रहा हूँ वन पॉइंट थ्री एट ईयर्स दिस इज योर पे बैक पीरियड कैलकुलेशन तो ये था हमारा पे बैक पीरियड का कैलकुलेशन मशीन ए के लिए डोंट वरी मशीन ए का अगर कोई भी क्वेरी आ रहा है तो मशीन बी को भी मैं आपको समझाता हूँ वीडियो को आप दो तीन बार देख लो तो आपको पता चल जाएगा चलो मशीन बी करते हैं अभी बहुत ही सिंपल है मशीन बी का सब वैल्यूज मैंने लिख दिया जो आपके क्वेश्चन में थे मशीन बी की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी लैक्स ,00 है चलो पहले डेप्रीसिएशन ढूंढ लेते हैं फॉर्मूला वही है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस क्रैप डिस्टिटेडिएशन हमारा आ चुका है अभी देखो सभी में फोर लैक्स फोर लैक्स फोर लैक्स फोर लैक्स फोर लैक्सोर लैक्स सब में सेम है बिकॉज द मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन इज स्ट्रेट लाइन मेथड अगर डब्ल्यू रहता तो सब में अलग आता फिर हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रीसीन प्लस किया सिक्सटीन लैक्स सिक्सटीन लैक्स नाइनटीन लैक्स ट्वेंटी लैक्स एंड नाइनटीन लैक्स कैसे आया है ये वैल्यू इसमें प्लस हुआ ये वैल्यू इसमें प्लस हुआ ये इसमें प्लस हुआ ये इसमें प्लस हुआ एंड सिमिलरली ये इसमें प्लस हुआ वी गॉट दी आंसर एज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर दैट इसका क्यूमिलेटिव ढूंढेंगे सिक्सटीन लैक्स का सिक्सटीन लैक्स एज इट इज सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन थर्टी टू थर्टी टू प्लस नाइनटीन फिफ्टी वन फिफ्टी वन प्लस ट्वेंटी सेवेंटी वन सेवेंटी वन प्लस दैट इज नाइन्टी लैक्स ठीक है अभी ध्यान से समझना वही हमारा फॉर्मूला है वही हमारा सब्सटीट्यूशन ट्वेंटी लैक्स आपका कब क्रॉस कर रहा है सेकेंड में ही क्रॉस कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे चलो पे बैक पीरियड यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ पे बैक पीरियड कौन से मशीन के लिए वी आर सॉल्विंग तो वी आर सॉल्विंग फॉर मशीन बी

क्या बताया था फर्स्ट ईयर के बाद इधर कौन सा ईयर का वैल्यू लिखने का फिर सेकंड अगर इधर फर्स्ट के जगह पे सेकेंड रहेगा तो इधर थर्ड की वैल्यू लिखनी है तो सेकंड ईयर की वैल्यू देखो यहाँ पे एक बार सेकेंड ईयर की वैल्यू कितनी है राउंड कर लेता हूँ आपको समझ में ना है. इसलिए सिक्सटीन लैक्स की वैल्यू है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड ईयर की वैल्यू दैट इज सिक्सटीन लैक्स तो अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ट्वेंटी लैक्स माइनस सिक्सटीन लैक्स कितना आएगा फोर लैक्स फोर लैक्स को हमें डिवाइड करना है सबसे पहले सिक्सटीन लैक्स ,00 के साथ तो आपको मिल जाएगा वन प्लस जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव तो वन प्लस जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव अगर आप वन उसमें प्लस कर लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव ईयर्स तो दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड तो इसी तरीके से हमें कैलकुलेशन करना है आई होप दिस टू कैलकुलेशन आर क्लियर टू यू हमने अभी तक सीख लिया ए आर आर कैसे कैलकुलेट होता है और हमने अभी तक सीख लिया पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे एनपीवी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और फिर सब कंबाइंड एक साथ ढूंढ लेंगे एक ही क्वेश्चन में ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बाय बाय